नमस्कार दोस्तों, ओपन सोर्स कुक में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी HTML5 वेब डेवलपमेंट श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। इन वीडियोस में थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए मैं आज रंगों की बात करूंगा। आपने वेब पेज देखे होंगे जिनमें कहीं पे टेक्स्ट दूसरे कलर का होता है, कहीं पे बैकग्राउंड दूसरे कलर का होता है, बॉर्डर दूसरे कलर का होता है, यानी कि हम कई तरह के रंगों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि HTML में अगर हमें किसी वस्तु का रंग बदलना है या उसका रंग निर्धारित करना है तो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि HTML में हम किन किन चीजों का रंग बदल सकते हैं। प्रायः तो आप जो भी चीज HTML बॉडी के अंदर लिखते हैं उन सब चीजों का आप रंग बदल सकते हैं। इसमें से ज्यादातर जो आपकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड है उसका रंग बदल सकते हैं। जो किनारे होते हैं, आप आगे चल के टेबल बनाएंगे या अभी हमने देखा नहीं है तो हर एक चीज का हम एक बॉर्डर या किनारा डाल सकते हैं, हम उनका रंग बदल सकते हैं। हमारे जो अक्षर या वाक्य हैं उनका भी रंग बदला जा सकता है। तो आप कोई शीर्षक लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, कोई अनुच्छेद पैराग्राफ होगा उसका रंग बदल सकते हैं, उसके बैकग्राउंड का भी रंग बदला जा सकता है। तो रंग बदलेगा कैसे ये एक चीज है, उसके लिए हमें क्या निर्देश या आदेश देने होंगे ये हम आगे चल के देखेंगे। इसमें मैं आपको एक आध उदाहरण से दिखाऊंगा, लेकिन सबसे जरूरी यह समझना है कि हम ये रंग किस तरह बता सकते हैं कि कौन से रंग का उपयोग करना है किसी भी चीज के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम रंग कैसे बता सकते हैं। तो HTML में जो हम रंग दे सकते हैं, जैसा मैंने आपको कहा था कि कुछ चीजें हमें अंग्रेजी में ही देनी पड़ेंगी, तो हम रंगों के नाम सीधे सीधे प्रयोग में ला सकते हैं। अब ये नाम जो है आपको जो मूल अंग्रेजी रंगों के नाम है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ दिया हुआ है, सफेद, चांदी, स्लेटी, जो ग्रे होता है, काला, तो आपको ये अंग्रेजी के ही शब्द प्रयोग में लाने पड़ेंगे रंगों के लिए। तो ये तो हो गए कुछ मूल नाम जिनको आप प्रयोग में ला सकते हैं, और ये होता है सबसे आसान तरीका किसी भी चीज का रंग बताने का कि ये हमें कौन से रंग का है। वैसे तो बहुत सारे रंग हैं जो आप नाम देके लिख सकते हैं, तो ये जो पहला तरीका है जिसमें मैंने कहा रंगों का नाम दिया जा सकता है। तो आइए ये देखते हैं कि हम कौन कौन से नाम देख सकते हैं। तो यहां मैंने आपको दो लिंक दिए हुए हैं, ये विकिपीडिया में आप जाके देख सकते हैं कि कौन से नाम आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूं, ये तो विकिपीडिया का हिंदी पेज है, यहाँ पे आपको सारे हिंदी के नाम मिल जाएंगे। अब ये सब जो चीजें लिखी हैं इनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा ये किस तरह दिया जाता है। तो ये सारे हिंदी के नाम हैं, तो ये आप यहां से दे सकते हैं। अंग्रेजी में क्योंकि हमें देना है तो उसके नाम यहाँ पे हैं अंग्रेजी वाले। तो ये अगर यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये दिए हुए हैं नाम, वाइट, सिल्वर, ग्रे, ब्लैक, और ये सारे नाम दिए हुए हैं। तो और इनसे इस तरह के रंग दिखाई दे। इसके अलावा जो आप नाम दे सकते हैं वो यही, इसी के नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ये चित्र में दर्शाया हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये दिया हुआ है देखिए। तो ये जितने नाम हैं आप इनको प्रयोग में ला सकते हैं, ये सारे नाम हैं। ये इनमें से कोई भी नाम आप लेके अगर डालेंगे तो उसका ये जो रंग यहाँ पे दर्शाया है वैसा रंग आपको दिखाई देगा। तो इसी में थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको पूरा दिखाई दे जाएगा। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे समूह बना के दिए हुए हैं कि गुलाबी का समूह है, हरे का समूह है, ये सारे हरे रंग हैं, ये या हरे का थोड़ा थोड़ा बदलाव है, ये गुलाबी का थोड़ा थोड़ा बदलाव है, लाल के बदलाव हैं,
नारंगी ऑरेंज के बदलाव हैं, तो इनमें से आप ये नाम प्रयोग में ला सकते हैं अगर आपको रंगों का नाम देना है। तो ये तो हो गया सबसे पहला तरीका। चलिए देखते हैं कि ये रंग हम किस तरह दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं आपको एक साधारण उदाहरण के साथ आपको ये दिखाता हूं। तो इसके लिए मैंने HTML कोड तैयार करके रखा हुआ है। तो एक हमारा एट्रीब्यूट होता है BG कलर, जो बॉडी टैग के साथ होता है। ये काज जगह और भी मिलेगा, हम इसकी बात करेंगे। इसमें हम रंग कौन सा हमें चाहिए वो हम निर्धारित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पल के लिए हटा देता हूं इसमें से, इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब अगर मैं इसको चलाऊं, जैसा कि आपको याद होगा, क्योंकि यहां से मुझे मैं इसको सीधे सीधे चला सकता हूं, तो यहां से मैं चला देता हूं। तो ये देखिए, ये पूरा काले रंग का आ रहा है बैकग्राउंड, और इसको अगर मैं यहां पे रेड कर देता हूं तो ये लाल हो जाएगा। तो इस तरह मैं कोई भी रंग प्रयोग में ला सकता हूं। और अगर हम इसमें वापस जाएं, तो चलिए एक देखने के लिए इनमें से एक कोई हम अजीब से नाम वाला रंग चुन लेते हैं। तो देखिए, इसमें एक है ये डार्क सी ग्रीन, ये नाम मैं ले लेता हूं यहां से, और इसको हम यहां पर डाल के देखते हैं। और ये देखिए, अब ये हो गया वो वाला रंग। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इनके अलावा अगर आप कोई रंग का नाम देंगे तो शायद वो रंग ठीक से नहीं आए, या अगर आपने कुछ नाम लिखने में गलती कर दी। हाँ, तो चलिए अब इसमें देखते हैं, मैं थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं। नाम गलत कर दिया है मैंने इसका, और अब देखते हैं क्या होता है इसका असर, क्योंकि नाम गलत हो गया। तो देखिए, ये अब कुछ अलग सा ही कलर आ रहा है या रंग आ रहा है जो अपेक्षित नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये रंगों का नाम बिल्कुल सही सही दिया जाए। तो अब इसको मैंने जो इसमें जो कुछ अंश हटा दिए थे उन्हें वापस डाल देता हूं। तो आई, अब इसमें मैंने और क्या किया है, इसमें मैंने कुछ पैराग्राफ डाले हैं, और मैंने आपको पिछली बार बताया था एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल, जिससे हम थोड़ा CSS दे सकते हैं। तो CSS का एक एट्रीब्यूट है जो हम टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए बता सकते हैं, कलर और फिर कलर का नाम। तो इधर मैंने सब जगह अलग अलग नाम दे दिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं मैंने कलर दिया है वाइट, इसमें मैंने कलर दिया है ब्लैक, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इधर ब्लैक है तो ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखा, इसलिए मैंने एक और CSS का यहाँ पे प्रयोग में लाया हूं, बैकग्राउंड। तो इससे पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो सफेद हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फूसिया रंग डाला है और एक येल्लो डाला है। तो चलिए अब इसको फिर से चला के देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग रंगों में आपका टेक्स्ट आ रहा है। तो अभी आपको समझने की बात यह है कि जहां भी बाद में हम HTML में काम करेंगे और जहां भी रंगों का प्रश्न आएगा, जहां रंग देना है किसी चीज का, तो हम उस रंग का सीधे सीधे नाम दे सकते हैं। और ये नाम जो है, जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया, इन नामों में से ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल के दे दूंगा, तो वहां से भी आपसे देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका जहां आप सीधे सीधे नाम दे देंगे। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है हेक्स कलर कोड, जो हमारा नंबर सिस्टम जिसे बोलते हैं, या हम जो डेसिमल सिस्टम प्रयोग में लाते हैं, उसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं। एक होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम, अब आपने कंप्यूटर में काम किया होगा तो ये सुना ही होगा, इसमें 0 से 9 तक के ये अक्षर होते हैं, और उसके बाद ABCDEF ये अक्षर होते हैं, इनको मिला के संख्या बनती है। तो इसको हम रंग में कैसे देते हैं, इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम में होता है, इसमें होता है
आरजीबी कलर सिस्टम, रेड ग्रीन ब्लू, जिसमें कि ये रोशनी कितनी तेज है या कौन सा कलर बिल्कुल नहीं है या बिल्कुल ज्यादा है, इसके हिसाब से रंग का मिश्रण होता है और उससे रंग बनता है। तो मान लीजिए आपके पास तीन बल्ब हैं, एक लाल है, एक हरा है, एक नीला है। अब अगर आप तीनों को बिल्कुल, तीनों की रोशनी शून्य कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा, तो ये हो जाता है काला रंग। अगर आप तीनों की रोशनी मैक्सिमम कर देंगे, जितनी ज्यादा हो सकती है मैक्सिमम वो कर देंगे, तो ये बन जाता है तीनों का रंग मिला के सफेद। अब अगर इन तीनों रंगों में आप थोड़ा फेरबदल करते हैं कि किसी की रोशनी कम, किसी की ज्यादा, तो इससे अलग अलग रंग बनते हैं आरजीबी के तहत। तो जो हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम ये वाला है रंग का तरीका, इसमें हमारे पास होता है आरजीबी, ये हम दो दो के जोड़ी में लिखते हैं। पहली जोड़ी होती है जो लाल की रोशनी को दर्शाती है कि लाल की रोशनी कितनी कम है या कितनी तेज है, दूसरी जोड़ी दर्शाती है हरी रोशनी को जी ग्रीन, और तीसरी रोशनी दर्शाती है नीली रोशनी ब्लू वो कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। अब ये रोशनी की संख्या कितनी हो सकती है, मतलब इस रोशनी में कितना तेज हो सकता है या बिल्कुल ही नहीं हो सकता, तो अगर ये दोनों संख्या शून्य है तो मतलब वो रोशनी निम्न है या नहीं है, और अगर ये एफ एफ है, जैसे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ए बी सी डी ई एफ, फिर दस ग्यारह बारह ऐसे बढ़ती है इसमें संख्या, तो जब ये एफ एफ हो जाती है, इसका डेसिमल में होता है 255 नंबर, तो जब ये एफ एफ होती है तो वो रोशनी सबसे ज्यादा होती है या सबसे मैक्सिमम होती है, इसे बोलते हैं। तो मिनिमम वैल्यू शून्य होती है इसमें 00 और मैक्सिमम वैल्यू एफ एफ होती है, तो ये तीनों के लिए लागू होता है। तो अगर इस संख्या को आप इस तरह बनाएंगे दो दो की जोड़ी में कि लाल दोनों शून्य है, काला भी दोनों शून्य है और हरा भी दोनों शून्य है, माफ कीजिएगा, लाल दोनों शून्य है, हरा दोनों को शून्य कर देते हैं और नीले को भी शून्य कर देते, काला मतलब आपने रोशनी पूरी बंद कर दी है, तो वो काले रंग को दर्शाता है। अब अगर इसी तरह आप हरे को बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे सबसे ज्यादा, लाल और नीले तीनों को सबसे ज्यादा ले जाएंगे, तो ये बन जाता है एफ 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 एफ, ये हो जाता है सफेद। तो इसी तरह यहां उदाहरण है लाल के लिए, हरे के लिए, तो अगर सिर्फ आप लाल को अगर आप सबसे तेज कर दें और बाकी हरे और नीले को बंद कर दें तो सिर्फ लाल रंग बनता है। इसी तरह यहां पे हरे रंग के लिए है, हमने बाकी लाल और नीला बंद कर दिया, हरे को एकदम ज्यादा कर दिया एफ एफ, और उसी तरह यहां पे नीले के लिए दिया गया है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, जैसे हमने पिछली बार नाम दिया था वैसे ही ये संख्या वहां डाल देनी है जो बनती है, और इसको आप हैश लगा के देंगे, नहीं तो वो उसका शाब्दिक अर्थ ढूंढने लगेगा जिससे कि गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं, ये देखिए यहां पे अब मैंने बीजी कलर एफ 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 कर दिया, मतलब कि मेरे बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि का रंग हो जाएगा सफेद। उसी तरह यहां पे देखिए ये है एफ एफ कलर, मतलब ये लाल हो गया और ये हो गया बैकग्राउंड, मैंने कर दिया है नीला। इसी तरह इसमें मैंने एक और प्रयोग में मैं लाया हूं, बॉर्डर नाम की चीज है, इससे बॉर्डर बनता है, सीएसएस का है। अब इसको मैंने 5 पिक्सल कितना मोटा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और इसका रंग मैंने दे दिया है, तो आप देख सकते हैं ये पहला क्या है, पहला है आपका रेड, फिर ग्रीन, तो ग्रीन मैंने सबसे ज्यादा कर दिया है और ये बंद है, तो मतलब बॉर्डर जो है मेरा हरे रंग का आना चाहिए। उसी तरह यहां पे मैंने एक नीला किया हुआ है और यहां पे मैंने काला कर दिया है, और इधर भी ऐसे ही कुछ कुछ है। चलिए तो इसे भी चला के देखते हैं, तो ये देखिए यहां पे ये जो रंग आ रहे हैं, ये बैकग्राउंड आपको ध्यान होगा,
मैंने यहाँ पे पहले वाले में बैकग्राउंड जो है नीला किया हुआ है और जो टेक्स्ट का कलर है वो मैंने लाल किया हुआ है, तो ये वैसा आ रहा है। इधर बॉर्डर का कलर हरा है, टेक्स्ट का कलर हरा है, फिर यहाँ पे इधर टेक्स्ट का कलर नीला किया था, यहाँ पे काला किया था और यहाँ पे सफेद किया था, ठीक है। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, तो आप सोच रहे होंगे कि हम रंग कैसे बनाएंगे इससे, तो आपको इसके लिए कोई ना कोई टूल मिल जाएगा। जैसे कि इसमें ये जो एडिटर आप यूज कर रहे हैं या फिर आप कोई ग्राफिक्स टूल यूज कर सकते हैं या नेट पे ढूंढ सकते हैं हेक्स कलर कोड जेनरेटर करके। तो यहाँ पे जैसे इसमें आप देखेंगे तो ऐसा एक इसमें बना हुआ टूल है, इसमें से जब मैं यहाँ पे कोई रंग बनाता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो उसका हेक्स कलर कोड यहाँ पे बन जाता है और मैं इसका सीधे सीधे यहाँ से मैं इसको काट के चिपका सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और प्रयोग में ला सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे अब आप देखिए, अब अगर मैं इसको नीले में ले जाऊँ यहाँ पे, तो बिल्कुल आपको नीले के अलग अलग रंग मिल सकते हैं। यहाँ पे नीला दिया हुआ, ये देखिए नीले का रंग जो है यहाँ पे जो हमने बात करी थी वही बन गया। तो इस तरह भी आप यहां से रंग बना सकते हैं, तो यहां से आप ऐसे रंग लिख सकते हैं। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने यहां एक और कुछ लिखा हुआ है, हेक्स रंग का सूक्ष्म शॉर्टकट। तो शॉर्टकट का मतलब क्या है? अब आपने देखा होगा कि हेक्स का रंग जो है हम जोड़ियों में लिख रहे हैं, ये है हमारा पहला है लाल, हरा और नीला। तो हेक्स की जोड़ी जो है, हम अगर ये दोनों जोड़ियों की संख्या एक जैसी है तो आप उसको दो दो बार लिखने की जगह एक बार लिख सकते। मतलब ये है कि एफ 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 जब आप ऐसे लिखेंगे तो उसको यह रंग समझ लेगा अपने आप, ठीक है। ए ए ए लिखेंगे तो उसका ए ए ए ए ए ए हो जाएगा। तो जैसे ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको आप 00F भी लिख सकते हैं और इसको 0F0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया शॉर्टकट, और ये आपको ध्यान रखना है, ये तभी काम करता है जब आपके जो जोड़ियों के संख्या है वो बराबर हो, तभी ये काम करेगा। अब इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूंगा कि एक बहुत आसान तरीका है स्लेटी रंग बनाने का। स्लेटी रंग आपको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं अगर आप ये दो जो संख्या है इसको बार बार लाल के लिए, हरे के लिए और नीले के लिए एक ही जैसा लिख दें तो वो स्लेटी का कोई रंग बनता है। चलिए मैं करके दिखाता हूं। जैसे यहां पे मैंने डाला हुआ है एसी एसी एसी, तो आप यहां देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड जो है थोड़ा स्लेटी आ रहा है। तो इसको अगर हम बदल के देखें, इसको हम चलिए 10 10 10 कर देते हैं और अब देखिए ये एक गाढ़ा स्लेटी आ गया। तो मतलब जैसे आप इसको रंग को नीचे लाएंगे ये हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है तीनों संख्या एक जैसी होनी चाहिए। तो जैसे इसको मैं कर देता हूं 90 90 90, तो क्या होगा, ये भी स्लेटी है। तो आप कभी भी आपको कोई हल्का स्लेटी या गाढ़ा स्लेटी बनाने, तो आप बड़ी आसानी से मतलब ग्रे ग्रे का जो होता है वो यहां से आप बना सकते हैं। ये लाल नीले और हरे का तीनों की संख्या बराबर होनी चाहिए तो वो स्लेटी बन जाएगा। तो जैसे कि हम अब देखते हैं ए ए ए ए और ए ए, तो ये बन जाएगा एक और स्लेटी, और एक करके देख लेते हैं, एक एकदम हल्का स्लेटी बना लेते हैं एफ 1 F1 F1। तो ये एकदम हल्का स्लेटी है जो आपको नजर नहीं आ रहा है, और टेक्स्ट मेरा सफेद में था तो एकदम गायब हो गया, तो ये हो गया। तो ऐसे आप स्लेटी बना सकते हैं। और एक चीज अगर ध्यान रखेंगे, अगर आप ऐसे ए ए ए या फिर आप
सात 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 लिख देते तो ये 77 77 77 हो जाएगा, तो इससे भी स्लेटी बनेगा। तो मतलब ये है कि अगर आप ऐसी कोई संख्या देंगे शॉर्टकट में जिनमें तीनों संख्या बराबर हैं तो वो स्लेटी रंग बनेगा। तो ये हो गया एक आसान तरीका स्लेटी रंग बनाने का तरीका याद रखने के लिए। चलिए दूसरा है आरजीबी, ये रेड ग्रीन ब्लू है। अब खेल रेड ग्रीन ब्लू के रंग पे ही निर्धारित है कि कितना कम है या कितना ज्यादा है, और इन तीनों के मिश्रण से रंग बनेगा। तो पहला तरीका तो हमने देख लिया हेक्स, ये तरीका सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और लोग इसको पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि रंग आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आप रंग का नाम गलत नहीं लिख सकते। जैसे हमने पहले देखा था नाम लिख सकते हैं रंग का, तो वैसा नाम लिखने का कोई हिसाब नहीं आता है, तो सब उससे आसानी हो जाती। तो जैसे जैसे आप सीखेंगे आप हेक्स कलर कोड में रंगों का नाम देना पसंद करेंगे। इसके बाद यह है आरजीबी। आरजीबी डेसिमल पे आधारित है। जैसे मैंने कहा था हेक्स वैल्यू शून्य से शुरू होके FF तक जा रही है, एक के लिए आरजीबी तीनों के लिए ऐसे होता है। तो इसमें हम सीधे सीधे डेसिमल का प्रयोग करते हैं और सबसे कम जो इसकी संख्या होगी वो शून्य हो जाएगी और सबसे ज्यादा जो ये जा सकता है वो हो जाएगी 255। तो इसमें भी हम रंग ऐसे देंगे, पहला हो गया लाल हरा नीला और आर जी बी, इन तीनों को कॉमा लगा के देते हैं। तो यहां पे आप देखिए अगर मुझे काला बनाना है तो तीनों की संख्या मैंने शून्य 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 दे दी है। अगर सफेद बनाना है तो तीनों को मैंने एकदम ऊपर ले लिया है, सबसे ज्यादा जो हो सकती है संख्या 255 255 255, मतलब तीनों रंग बिल्कुल तेज चमक रहे हैं। तो ये हो गया सफेद। उसी तरह जैसे आपने हेक्स में देखा था कि पहला हमने FF कर दिया था, इधर हो जाएगा 255 00 00, ये हो गया लाल, 0 255 00 हो गया हरा, और इसी तरह ये बन गया नीला। इसे लिखते कैसे हैं? इसे हम RGB लिख के ब्रैकेट के अंदर ये जो हमें रंग की संख्या चाहिए ये हम डाल सकते हैं। तो ये है एक और तरीका। ये ज्यादातर आपको दिखेगा जब हम CSS सीखेंगे या आप कभी जब CSS सीखेंगे तो उसमें ज्यादातर ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसको अपने HTML में ही देख लेते हैं क्योंकि हम कर तो CSS से ही रहे हैं इसको असल में। तो यहां देखिए, चलिए अगला उदाहरण ये रहा। अब यहां तो मैंने BG कलर इसी तरह डाल दिया है, लेकिन यहां पे मैंने CSS स्टाइल करके डाला है। अब इधर यहां देखिए कलर, पहले मैंने जो उदाहरण लिया था उसमें कलर मैंने लिखा था हेक्स की तरह, अब यहां पे मैंने लिया है RGB रेड ग्रीन ब्लू और ये। तो इसी तरह आप देख सकते हैं यहां पे मैंने ये हो गया आपका लाल और बैकग्राउंड मैंने कर दिया है नीला, ये हो गया आपका हरा और फिर बॉर्डर मैंने कर दिया नीला इसमें। फिर यहां देखिए ये है पैराग्राफ का, मैंने कलर कर दिया है टेक्स्ट का नीला, और इधर फिर से ऐसे हमने अलग अलग रंग डाल दिए। तो चलिए इसे हम चला के देखते हैं। तो ये देखिए ये आ गया रंग RGB से। तो आपको रंगों में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, रंग वैसे ही आएंगे, सिर्फ समझने की बात यह है कि रंग किस तरह दिया गया है और रंग कैसे बन रहे हैं। तो रंग जो बन रहे हैं शून्य से लेके 255 या शून्य से FF हेक्साडेसिमल में और डेसिमल में शून्य से 255 तक का इसमें बदलाव आता है। तो इस तरह हम ये रंग दे सकते हैं। और फिर इसमें वही सवाल उठेगा आपका कि ये रंग की संख्या हम कैसे देखें। तो अगर आपने पिछली बार ध्यान दिया होगा तो ये जो मैंने इधर टूल लिया था, जब मैं यहां पे कर रहा था रंग का चुनाव, तो आपने ध्यान अगर दिया होगा तो यहां पे तो आ गया था मेरा हेक्स,
और यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे आ जा रहे हैं मेरे रेड ग्रीन और ब्लू की संख्या जो मैं यहां से कॉपी कर सकता हूं और अपने इसमें प्रयोग में ला सकता हूं। तो फिर मैं वही कहूंगा, इस तरह से रंग में गड़बड़ी होना कम हो जाता है। तो नाम लिखने में एक भी अक्षर इधर उधर हुआ तो आपने देखा ही था कि रंग कैसे बदल गया था, हरे से लाल हो गया था। तो यह हो गया RGB रंग देने का तरीका। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला। अगला है RGBA। ए होता है अल्फा चैनल, जो पारदर्शिता को नियंत्रित करता है, ट्रांसपेरेंसी जिसे बोला जाता है। तो यह पारदर्शिता को नियंत्रित करता है। इसको लिखने का तरीका बिल्कुल RGB का जैसा है, सिर्फ इसमें हमें RGBA लिखना होता है और इसमें चार संख्याएं हम अलग अलग देते हैं। RGB तो जैसे देते थे वैसे ही देनी है, और इसमें आपका आ जाता है अंत में जो अधिक संख्या है वो है अल्फा चैनल, जो कि जैसा मैंने कहा पारदर्शिता को नियंत्रित करेगा, जिसकी जो कि शून्य से एक के बीच में होता है, मतलब आप पॉइंट में या दशमलव में इसकी इस संख्या को दे सकते हैं। तो अगर शून्य रखेंगे तो संपूर्ण पारदर्शिता, मतलब एक तरीके से उसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा, वहां पे होगा वो रंग होगा पर आपको नजर नहीं आ रहा है। ये सब बाद में आप जैसे सीखेंगे तो इसका भी कुछ काम होता है, नहीं तो आप कहेंगे अगर बिल्कुल ही नहीं नजर आ रहा तो उसका फायदा, इन सब का अलग अलग फायदा होता है। जैसे जैसे आप आगे सीखेंगे तो आपको इसका फायदा समझ में आएगा। तो इनकी भी जरूरत पड़ती है। और एक है कोई पारदर्शिता नहीं, तो बिल्कुल जो रंग है उसके पीछे आपको कुछ नजर नहीं आएगा। और इधर मैंने दिया है 0.5, मतलब मध्यम पारदर्शिता आधा। तो इसका मैं आपको एक उदाहरण दिखा देता हूं। तो ये है एक उदाहरण RGBA के लिए। इसमें मैंने कोई खास बदलाव नहीं किया है, सिर्फ यहां पे ये मैंने RGBA डाल दिया है और यहाँ पे अल्फा चैनल है। तो ये मैंने एक अनुच्छेद या पैराग्राफ है उसे ही मैंने बार बार ऊपर से नीचे लिख दिया है, और ये मैंने 10 बार लिख दिया है। जहां पे ए संख्या को मैंने कम किया है, पहला है एक, जो मैंने कहा कि बिल्कुल पारदर्शी नहीं होगा, और धीरे धीरे मैं ये कम करता गया हूँ, 9.9, 9.8 ऐसे करते करते इसे मैं ले आया हूं। अंत में ये शून्य होना चाहिए, मैं इसको शून्य कर दूंगा, आपको कोई खास उससे फर्क नजर नहीं आएगा। चलिए इसको शून्य कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम चला के देखते हैं। तो एकदम आसान तरीका है, एक यहाँ पे संख्या बढ़ गई है, अब इसको चलाइए। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं धीरे धीरे नीचे लेके जाऊंगा तो आपको फर्क पता चलेगा, ये लाल जो है पारदर्शी होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पारदर्शिता कितनी है, और वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। देख रहे हैं आप, ये धीरे 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 यहाँ तक भी नजर आ रहा है, यहाँ भी हल्का नजर आ रहा है, और ये यहाँ पे बहुत हल्का है, जो देखना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, और अंत में पारदर्शिता शून्य कर दी तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये है RGBA पारदर्शिता के लिए। तो ये तो हो गया RGBA। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है। अब हम बात करेंगे सुरक्षित या निरापद रंग, यानी कि इसे कहा जाता है वेब सेफ कलर। अब अगर आप देखेंगे इनको एक तरीके से, जो कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इनकी जोड़ियां अगर आप बनाएंगे, तो असल में हर एक संख्या शून्य से, मतलब हरा नीला और लाल, या लाल हरा और नीला RGB, ये तीनों संख्या शून्य से लेकर 255 तक जाती है। अब अगर इसको आप देखें हेक्स में, ये शून्य शून्य, ये पूरा एक पूरी एक संख्या बनती है, और सबसे बड़ी संख्या होती है ये हेक्स में, तो ये कुल होता है 1,67,77,215। मतलब इतने रंग बन सकते हैं जो शायद हम पहचान भी ना पाए।
ना ही अगर हम बनाने बैठेंगे तो भी हम हमारे शायद जन्म निकल जाए ये बनाते बनाते, तो इतने रंग हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। तो ये सारे रंग हम उपयोग में नहीं लाते हैं, तो इसमें कुछ रंगों की संख्या दी है जिन्हें हम वेब सेफ कलर्स बोलते हैं, मतलब जो सुरक्षित रंग माने जाते हैं। और जब आप ये संख्या प्रयोग में लाते हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि आपका ब्राउजर ये रंग सही सही दिखाएगा। तो इससे एक चीज और याद आ रही कि जो हमने कलर नाम से दिए थे, रंग नाम से दिए थे, उसमें भी काफी बार ये ब्राउजर पर निर्धारित होता है कि वो उस रंग को समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा। तो हमने देखा कि हम रंग हेक्स या आरजीबी से दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि आप दे तो इनमें से कोई भी रंग सकते हैं जो आप चाहें, पर उसमें भी कुछ रंग बताए गए हैं जो सुरक्षित हैं। तो वो कौन से हैं रंग, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइए देखते हैं। ये मैंने पेज पहले से ही आपके लिए खोल रखे हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे रंग दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये इन्होंने छोटी जोड़ी में दिए हैं, शॉर्टकट मेथड वाला जो मैंने आपको समझाया था। मतलब ये हुआ 000 काला, और इसका मतलब हुआ 3300, ये हो गया 600। अब ये रंग बनते कैसे हैं और ये कैसे इन्होंने बनाया है, इसका क्या नियम है? तो इसका नियम ये है कि जो हेक्स के रंग हैं उसमें सिर्फ आप संख्या प्रयोग में लाएंगे 0, 3, 6, 9, सी और एफ, बस इन्हीं के जोड़ों से बनाएंगे। और ये जोड़े जो हैं उन हर एक जोड़ में संख्या एक समान होनी चाहिए। मतलब जैसे एफ एफ 0, 0, 0, 0, 33, 66 एफ एफ, ऐसी संख्या होगी। आप इनको नहीं मिलाएंगे, ऐसे नहीं होगा कि 36 और 63 और एफ सी, ऐसे नहीं बनाएंगे, ये इन्हीं जोड़ियों से बनेंगे। तभी इसीलिए आप यहाँ पे जब देखेंगे तो इन्होंने ये शॉर्ट कोड में दिए हुए हैं। तो अगर आप इसे शॉर्ट कोड में देंगे तो अपने आप ही ये जब फैलेगा, मतलब बड़ा इसको आप अगर करके देखेंगे तो ये 99, 03, तो ये जो है आप देख सकते हैं लगभग 216 रंग हैं। इन्हें वेब सेफ कलर कहते हैं। और भी सुरक्षित एक यहाँ पे है, जिसको बिल्कुल ही सेफ माना जाता है वो ये दी हुई है, सेफेस्ट बोलते हैं, मतलब सबसे बढ़िया, लेकिन इसमें रंग आपके बहुत ही सीमित हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही कम है, ये सिर्फ 22 रंग हैं। तो जो वेब सेफ रंग है ये 216 है, ये काफ़ी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं में से करना है, लेकिन इनमें से आप उपयोग में लाएंगे रंग तो आपके पेज सब जगह अच्छी तरह से दिखाई देंगे। पर ये कोई ऐसा कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको यही रंग प्रयोग में लाने हैं। तो ये हो गए वेब सेफ कलर, और ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें सिर्फ ये संख्या आती है। तो असल में ये 3 के मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, 3 के गुणा में, 0, 3, 6, 9, 9 के बाद ये सी हो गया 12 और एफ हो गया 15, तो ये उस तरह चल रहा है। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि वेब सेफ कलर किस जोड़ी से बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, तो ये जो मैंने आपको बताई चीजें, ये तो हैं 3 तरीके हो गए जो हम ज्यादातर प्रयोग में लाते हैं। रंगों का नाम देके कर सकते हैं आप हेक्स कलर प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप आरजीबी और आरजीबीए का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अब इसमें एक है HSL, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। अब अगर आपने ग्राफिक्स वगैरह में काम किया है तो ये आपको ह्यू सैचुरेशन, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें तो समझाने का समय नहीं है, तो इसमें फिर से आपको दिखा देता हूं। ये यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन वैल्यू भी आ रहा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम ये संख्या भी प्रयोग में ला सकते हैं। आरजीबी की जगह आप एचएसएल लिख के कोशिश कर सकते हैं, आप देखिए क्या होता है। तो जो भी आप कर रहे हैं कुछ कुछ उसका प्रयोग कीजिए। इन सब चीजों से
आपके कंप्यूटर में आग तो नहीं लगनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। प्रयोग कीजिए, देखिए कैसा होता है। जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। तो जो भी आपको करना है खुद से करके देखिए। और एक नया मानक आ रहा है, स्टैंडर्ड HWB ह्यू व्हाइटनेस और ब्लैकनेस। ये भी जो ग्राफिक्स में काम करते हैं उन्हें आसानी समझ में आ जाएगा। आप इसको थोड़ा नेट पे सर्च करके पढ़िए अपनी तरफ से, देखिए क्या है ये नया CMYK। ये ज्यादातर प्रिंटिंग मीडिया वाले यूज करते हैं। ये हो गया सयान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, इसके कॉम्बिनेशन से। ये भी नया सुझाया जा रहा है CSS4 जो आएगा ये उसमें शायद जोड़ दिया जाए। तो अभी हमने जो देखा है कलर का नाम देके हेक्स, RGB और RGBA, ये हो गए कुछ तरीके रंग देने के। तो इससे आप अलग अलग चीजों का रंग बदल सकते हैं। और ये सब आप प्रयोग में लाइए, देखिए, बैकग्राउंड का कलर बदल के देखिए, टेक्स्ट का कलर बदल के देखिए, काफी मजा आता है करने में। और इस वीडियो के लिए ना ही, तो अगले वीडियो में जहां कहीं हमें कलर प्रयोग में लाने होंगे तो मुझे अब आपको समझाना नहीं पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ HTML5 की नई जानकारी के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।